तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं ना। लिखो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। पोटेंशियल एनर्जी फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। देखो थ्री आइडेंटिकल चार्जेस आर कैप्ड ऑन द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। थ्री आइडेंटिकल चार्जेस आर कैप्ड ऑन द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। हो गया, कैसे करेंगे भाई? देखो मान लो इनको नाम बोल देते हैं 1, 2, 3। तो जब हम सिस्टम की बात करते हैं तो हमें तीनों की निकालनी है ना, तीनों की एक दूसरे के कारण क्या आ रही है। तो इस सिस्टम में कौन कौन से पार्टिकल्स हैं? अगर मैं टोटल पोटेंशियल एनर्जी लिखूं, और पोटेंशियल एनर्जी दो पार्टिकल्स की मिलकर होती है, दो लोगों के बीच में होती है ना। तो जैसे इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल एनर्जी होगी, उसको U12 बोल देते हैं। फिर एक पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों के बीच में होगी U13, और एक पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों के बीच में होगी U23। और कोई बचा है क्या? है ना 3C2, है ना। तीन पार्टिकल्स में से दो दो के कितने पेयर ले सकते हैं? तीन ही ले सकते हैं। तो कितनी आ गई टोटल पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों के बीच की, बताओ कितनी होगी? K Q1 Q2 by R। तो KU² by R इन दोनों की, KQ² by R इन दोनों की, KQ² by R। तो कितना आ गया? तो तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी आ गई इस पूरे सिस्टम की। जब हम सिस्टम बोलेंगे मतलब उसमें जितने भी पार्टिकल्स हैं, दो दो के पेयर बना के सबकी निकाल लो, जितने भी पेयर बन रहे हैं उनको ऐड कर दो। क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी है ना, एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल। वो तो स्केलर क्वांटिटी होती है। आएगा समझ में? ठीक है, अगला लिखो क्वेश्चन। फोर आइडेंटिकल चार्जेस आर कैप्ट ऑन द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर। फाइंड देयर Find the potential energy of the system. चलो देखो भाई, पेयर बनाते कितने पेयर बन सकते हैं? 6 बन रहे, तो सीधा 6 टाइम्स कर देंगे। नहीं, 1, 2, 3, 4। तो चार पार्टी के लिए दो दो के पेयर चाहिए, कितने होंगे? 4C2। तो 4 × 3/2 कितना हो गया तुम्हारा? 6। तो टोटल 6 पेयर्स बनेंगे तुम्हारे ना। उन 6 पेयर्स की तुम्हें 6 इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जीज मिलेगी, उनको ऐड करोगे तो सिस्टम की मिल जाएगी। तो सबसे पहले किस किस की होगी? देखो 1 और 2 की होगी, है ना। और कौन सी होगी? 2, 3 की होगी, 3, 4 की होगी, 4, 1 की होगी। अब और कौन सी होगी? सारी तो हो गई, 1 और 3 की नहीं हुई ना अभी तक। तो 1 और 3 की और 4, 2 और 4 की,
एक्चुअली जितने भी पार्टीज है सबको ज्वाइन करके लाइन बना दो, तो चार एजेस की एक एक और डायगनल्स की एक एक, है ना, यही देख लो। इसके अलावा अब और कुछ भी नहीं बच रहा, सारे पार्टिकल्स हो गए ना, सबके पेयर बन गए। तो वन और टू के बीच में इन ये चारों तो देखो आइडेंटिकल्स हैं, इनके कारण क्या आ जाएगा, फोर के क्यू स्क्वायर बाय ए। ये दोनों देखो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, वन और थ्री और इनके बीच का डिस्टेंस रूट टू ए, बस ये ध्यान रखना है। तो इनकी आएगी भाई एनर्जी के क्यू स्क्वायर बाय रूट टू ए, और ये दोनों आइडेंटिकल है तो दो हो गए ना इंटू टू, तुम्हारा आंसर कितना आ गया, फोर प्लस रूट टू के क्यू स्क्वायर बाय, ये यू क्या है, चलो अच्छा देखो इसको करने का एक तरीका और है ना, ये तो मेथड नंबर वन हो गई। मेथड नंबर टू देखो, मुझे पता है ये चारों के चारों पार्टिकल्स हैं तो मतलब सिमेट्रिकल, अगर मैं सिर्फ इस अकेली पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी निकालो इन तीनों के कारण, तो इसकी भी उतनी आएगी, इसकी भी उतनी आएगी, इसकी भी उतनी आएगी, ये मान रहे हो क्या, ये दिख रहा है क्या, ये ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं पोटेंशियल एनर्जी वन की निकाल रहा हूँ अकेले, सिर्फ इस वाले पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहा हूँ मैं। जब मैं इस अकेले की बोल रहा हूँ इसका मतलब इस अकेले की नहीं, इसकी बाकी सबके कारण, ये मतलब क्लियर है, ठीक है। तो बताओ क्या आएगी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वन विद टू, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वन विद थ्री, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वन विद फोर। देखो सेम क्वेश्चन को एक अलग तरीके से कर रहा हूँ ना, ये समझ में आया क्या, मैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी अकेले निकाल रहा हूँ बाकी सबके कारण, तो यही आएगा क्या। चलो कितनी आ रही है बताओ, ये के क्यू स्क्वायर बाय ए प्लस के क्यू स्क्वायर बाय रूट टू ए प्लस के क्यू स्क्वायर बाय ए, तो कितनी हो गई है, के क्यू स्क्वायर बाय ए वन टू प्लस वन बाय रूट टू। देखो ये आ रहा है ना, ये पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, ये सिर्फ इस पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी है बाकी सबके कारण। सो जब जितनी पोटेंशियल एनर्जी इसकी होगी वो उतनी ही इसकी होगी, उतनी ही इसकी होगी, उतनी ही इसकी होगी, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट जितने भी पार्टिकल्स हैं सिस्टम में, एन पार्टिकल्स हैं, एन इंटू यू वन। बताओ ये चीज़ सही है या नहीं, पहले ही बताओ। मैंने एक पार्टिकल की निकाल ली, फिर मैंने कहा एन पार्टिकल्स है क्योंकि सारे आइडेंटिकल हैं, ये मैंने मुझे दिख गया था, है ना, सिमेट्रिक है बिल्कुल। नहीं आएगी तो क्या होगा फिर, ये नहीं होगा तो क्या होगा, एन बाय टू। हाँ ये सही, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगी, एन यू वन बाय टू। कितने लोगों को समझ में आया, ये आ गया, अरे भाई सही है, खुद ही आ गया समझ में, तो अच्छी बात है। देखो फिर बाकी जिसको नहीं आया मैं समझा देता हूँ, जैसे जब तुम वन की लिख रहे थे है ना, तो वन की टू के कारण ऑलरेडी आ गई थी, अब जब तुम टू की लिख रहे होगे तो टू की फिर से वन के कारण आ जाएगी, तो एक तरह से यू वन टू दो बार काउंट हो गया ना इन दोनों का, इस तरह से हर एक पार्टिकल दो दो बार काउंट हो जाएगा, तो तुम्हें हाफ करना पड़ेगा उसको, वही आ गया ना। इस तरह के मेथड्स तुम मतलब पी एंड सी वगैरह में बहुत यूज़ करोगे। अच्छा हो गया, इतनी जल्दी हो गया, अभी कुछ दिन पहले हुआ नहीं था, कब हो गया, झूठे हो तुम तो, अभी लास्ट टाइम मैंने पूछा तुम लोगों ने कहा कुछ भी नहीं पढ़ाया, अभी पी एंड सी नहीं पढ़ाया, प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ाया, दोनों साथ में नहीं पढ़ाते क्या, टाइम बदल गया यार, मतलब तो दोनों मेथड्स आनी चाहिए ना। ये तो सिंपल बताएं, सिंपल सा कंसेप्ट है भाई, पेयर बनाओ जितने पेयर बन रहे और सबको ऐड कर दो, पर कई बार ये डिफ़िकल्ट हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, तो एक ही अपन कुछ तरीके यूज़ कर लेते हैं। देखो भाई एट आइडेंटिकल पार्टिकल्स आर कैप्ट ऑन द वर्टिसेस ऑफ ए क्यूब ऑफ एज लेंथ ए, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम।
अब यहाँ पे कितने पेयर्स बनेंगे? एन सी टू एट सी टू कितना हो गया ये 28 है ना। तो मेथड नंबर वन में प्रॉब्लम समझ रहे हो, मैंने सिर्फ 8 ही पार्टिकल करे हैं अभी तो, और तुम अगर मेथड नंबर वन से जाओगे तो तुम्हें 28 टाइम्स लिखना लिख के ऐड करना पड़ेगा। तो कर तो उससे भी सकते हो, बस थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। हो गया ठीक है। तो इसको सीधा मेथड नंबर टू से करते हैं ना। तो इसमें टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगी तुम्हारी, एन वाई टू किसी इंटू किसी एक पार्टिकल की एनर्जी। तो ये n कितना है यहाँ पे 8 बाई 2 u1, तो कितनी आ गई 4 u1, यही होगा। अब तुम्हें क्या निकालना है, वैसे यहाँ पे u1 निकालना है, तो ये मान लेते नंबर दे दो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 1 वाले की एनर्जी निकालनी है, तो 1 वाले की किस यहाँ पे देखो 2 3 4 और 5 दिख रहा है क्या, ये सारे एक ही डिस्टेंस पे है। अच्छा 2 4 और 5 एक ही डिस्टेंस पे है। पोटेंशियल एनर्जी 1 ड्यू टू 2 1 4 और 1 5 ठीक है, ये सारे ए डिस्टेंस पे है, ये अपने एक हो गए। और कौन सा है 3, ये जो जितने भी बॉडी डायगनल है ना, नहीं फेस डायगनल 6 और 8, ये एक जगह पे है। कौन कौन से 3 6 और 8, ये अपने आप में एक हो गए। और अब एक एक बॉडी डायगनल बचा है, समझ में आ रहा है क्या। देखो ये सारे के सारे एज लेंथ पे हैं, इन सब के बीच का डिस्टेंस कितना है अपना, ये ए है ना, इन सब के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये अपने फेस डायगनल्स हैं रूट टू ए, और ये वाला क्या है अपना रूट थ्री है ना, रूट थ्री। तो इन सब के लिए एक ही एनर्जी निकल के आएगी, कितनी हो जाएगी बताओ 3, क्योंकि 3 है ये के क्यू स्क्वायर बाय ए, ये भी कितने हैं 3, तो 3 के क्यू स्क्वायर बाय रूट टू ए, और ये तो एक ही है तो 1 इंटू के क्यू स्क्वायर बाय रूट थ्री। ये तुम्हारी अभी एक पार्टिकल की यू वन निकला है अभी तो है ना, सिस्टम की क्या हो जाएगी बताओ, पूरे सिस्टम की एनर्जी 4 इंटू u1, तो तुम्हारा कितना आ जाएगा 4 इंटू 4 k q² / a 3 + 3 / √2 + 1 / 3, ये तुम्हारा आ गया। ये पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हो गई, नहीं आएगा ना वो, तुम्हें आ रहा है समझ में, नहीं अरे भाई तुम इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हो, चलो 3 के कारण लिख रहे हो ना, तो इसमें जब 1 की लिखी तो u1 3 भी आया है। अब मान लो जब 2 की लिख रहे हो तो उसमें कभी भी 1 और 3 एक साथ नहीं आएंगे, जब 2 की लिख रहे हो तो 2 1 आएगा 2 3 आएगा, पर 1 और 3 नहीं आ रहा है, समझ रहे हो। जब 3 की लिखेंगे उसमें एक बार 3 1 आ जाएगा, समझ रहे हो। तो जब 1 की लिख रहे थे तो 1 3 आया, जब 3 की लिख रहे थे तो 3 1 आ गया, तो 2 बार आए ना, उसके अलावा वो कभी भी नहीं आएंगे, तुम किसी की भी लिख लो, तो हर एक 2 बार अकर कर रहा है, तो इसलिए हमने 2 से डिवाइड कर दिया। बढ़े आगे, चलो ठीक है। अब इस तरह के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे तुम्हें, तुम लोग कर लोगे। चलो ये हो गए क्वेश्चन वाले को, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। कुछ नहीं देखो करते हैं ना, 1 2 3 4, तो क्या होगा भाई टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4, कुछ बच गया क्या, 3 4 बच गया, हो गए सारे ठीक है। तो लिखो भाई 1 और 2 के बीच में कितनी है के माइनस क्यू स्क्वायर बाय ए, 1 और 3 के बीच में कितनी है के क्यू स्क्वायर बाय रूट टू ए,
वन और फोर के बीच में माइनस के की स्क्वायर बाय ए। याद रखना चार्जेस को हमेशा साइन के साथ लेते हैं पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हर जगह ना। तो जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो जाती है, इंट्रैक्शन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होने का मतलब हो जाता है जब तुम इन्फिनिटी पे ज़ीरो मान रहे हो, और फिर जब पार्टी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो जाती है मतलब वो सिस्टम बाउंड है, मतलब एट्रैक्टिव फोर्सेस से बाउंड है वो सिस्टम। और क्या आएगा, टू थ्री के बीच की क्या आएगी, माइनस के क्यू स्क्वायर बाय ए। टू और फोर के बीच की माइनस माइनस दोनों आ जाएंगे, यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो के क्यू स्क्वायर बाय रूट टू ए प्लस। थ्री और फोर की क्या आएगी, माइनस के क्यू स्क्वायर बाय ए। तो क्या आ गया देखो टोटल, इन ये चार नेगेटिव हैं तो माइनस फोर के क्यू स्क्वायर बाय ए, और ये दो पॉजिटिव हैं तो टू के क्यू स्क्वायर बाय रूट टू ए। हमारा आंसर क्या आ गया भाई, के क्यू स्क्वायर बाय ए माइनस फोर प्लस। तो सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव। देखो कोई डाउट है तो चलो करें भाई आगे। अब इसमें सोचो क्यूब बना दें, मिलेंगे इस तरह क्वेश्चंस। चलो ये क्वेश्चन को लिख लो, दो हैं से दो चार्जेस हैं, कैपिटल क्यू कैपिटल क्यू, उनके बीच का डिस्टेंस डी है, और यहाँ पर ये परपेंडिकुलर बाईसेक्टर है, डी ये है, ये डिस्टेंस डी बाई टू है, तो परपेंडिकुलर बाईसेक्टर है। यहाँ से डी डिस्टेंस पे तुमने एक चार्ज रखा है, से एक पॉइंट है डी डिस्टेंस पे ए, और यहाँ से भी डी डिस्टेंस पे एक पॉइंट है बी। और यहाँ पर तुमने इस देखो क्वेश्चन लिखो, इसको 2D ले लो, इस डिस्टेंस को 2D ले लो, फाइंड द मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड टू फाइंड द मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड टू मूव ए चार्ज फाइंड द मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड टू मूव ए चार्ज स्मॉल क्यू फ्रॉम ए टू बी। फाइंड द मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड टू मूव ए चार्ज स्मॉल क्यू फ्रॉम ए टू बी। ए से बी ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा एक्सटर्नल एजेंट को, मिनिमम वर्क कितना करना पड़ेगा। ठीक है चलो करते हैं ना। तो पहले हम अपन बताएं पोटेंशियल एनर्जी लिख लेते हैं स्मॉल क्यू की इन दोनों चार्जेस के कारण जब वो ए पर है और बी पर है। ठीक है तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्मॉल क्यू एट ए ड्यू टू अदर टू चार्जेस कितनी है बताओ। यहाँ से भी रूट टू डिस्टेंस है और यहाँ से भी, तो कितनी आएगी बताओ। अच्छा वो डी बाई टू है तो कितना हो रहा है भाई रूट फाइव डी बाय। ठीक है तो कितना आ जाएगा भाई, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय रूट फाइव डी बाय टू। और ऐसे कितने हैं, दो चार्जेस हैं तो इनके कारण टू टाइम्स हो जाएगी। ठीक और बी के कारण कितनी आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ क्यू एट बी कितनी हो जाएगी बताओ भाई, के कैपिटल के स्मॉल क्यू बाय डिस्टेंस कितना है, ये डी है और ये भी ये टू डी हो गया, नहीं ये डी बाई टू है और ये टू डी है तो
फोर प्लस और इधर पे 1670, हाँ रूट 17 डी वाई टू, तो रूट 17 डी वाई टू, और ऐसे दो हैं चार्जेस तो टू आ जाएगा, तो बी से ठीक है, ए और बी दोनों पे मुझे पोटेंशियल एनर्जी मिल गई। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं। हमको पता है वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी विच इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ना। तो हमको बोला गया है कि भाई एक्सटर्नल एजेंट को मिनिमम वर्क करना है, तो जब मिनिमम वर्क करने का मतलब क्या होता है, स्लोली मूव करो, जब स्लोली मूव करते हैं तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जीरो। जब भी मिनिमम वर्क बोला जाए या फिर स्लोली मूव बोला जाए उसका मतलब है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो है। तो वर्क डन कितना हो गया एक्सटर्नल एजेंट का, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और वो कितनी चेंज हुई है, यू बी माइनस यू ए, तो क्या आ गया तुम्हारा बताओ, 4KQQ/D 1/√17 माइनस, तो पॉजिटिव वर्क कराया या नेगेटिव वर्क, नेगेटिव वर्क कराया है ना।